नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट किम् ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरं मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदन्तिकं वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंशाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्यैव च प्रतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। आप सभी कथा प्रेमी वैष्णव श्रोता चरणों में सादर वंदन और धन्यवाद कि आप समय निकाल के प्रतिदिन भक्त और भागवत लीला कथा श्रवण करने के लिए इंटरेस्टेड है, मतलब रुचि रखते हैं। ये हम भक्तों का सौभाग्य है। सारी साधना का सार है वासुदेव कथा रुचि, भगवान और उसके प्यारे भक्तों की कथा में रुचि हो जाना, अच्छी लगना। और यदि किंचित ये नहीं होता है तो भागवत नेगेटिव बात भी कहता है कि श्रम एव हि केवलम, न उत्पादय यदि रति तो श्रम एव हि केवलम। तो हम लोग प्रयास करते हैं भक्तों के सानिध्य में, संग में भगवत कथा, भक्त और भगवान की लीला का सार समझ के हम शुद्ध भक्त बन सके। तो पूर्णिमा नित्यानंद अपीयरेंस पे आ रहा है, आप सभी जानते हैं, और त्रयोदशी होता है नित्यानंद प्रभु त्रयोदशी, मतलब गुजराती में तेरस तिथि के अनुसार माघ शुक्ल तेरस त्रयोदशी, शुक्ल पक्ष भी चल रहा है और माघ महीना चल रहा है, कार्तिक माघ पोष और माघ चौथा महीना, राइट। और आज दसवीं है, कल एकादशी है,
और यस्टरडे नवमी था, ये सब फेस्टिवल डेज चल रहा है। जैसा कि आप लोगों ने कल संडे आराम किया होगा, एंजॉय किया होगा, रेस्ट किया होगा, लेकिन कल माध्वाचार्य, हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्य माध्वाचार्य का लिविंग तिरुभाव तिथि था, और आज दसवीं है, माघ शुक्ल दसवीं। आज श्रीपाद रामानुजाचार्य, जो श्री संप्रदाय के प्रमुख आचार्य हैं, उनका तिरुभाव तिथि है। और हमने भीष्म का तो तिरुभाव कर ही दिया सैटरडे, तो सैटरडे भीष्म का तिरुभाव था, संडे माध्वाचार्य का तिरुभाव था, और आज रामानुजाचार्य का तिरुभाव है। तो इस तरह फेस्टिवल चल रहा। कल एकादशी है और परसों वराह द्वादशी है, और फिर त्रयोदशी तो है ही है, आप जानते हो नित्यानंद प्रभु का हैप्पी बर्थडे। तो ये सब फेस्टिवल डेज है और हम भक्तों के लिए नित्य लीला रस आस्वादन का विषय। गुरु महाराज कहते थे कि कोई भी उत्सव हो, अगर उसमें कथा न हो तो उत्सव मरा हुआ है। फेस्टिवल का जो प्राण है ना, वो कथा है। अगर कथा कथा नहीं है तो उत्सव में भले सजाया जाता है, सब होता है, प्रसाद होता है, सब होता है, लेकिन बिना कथा के, क्योंकि कथा जीवन है, तृप्त जीवन। तो हम लोग हरे कृष्णा डिवोटीज पूरी दुनिया को ये सिखाते हैं कि फेस्टिवल्स मीन्स कथा। कथा गानम नाट्यम गमन अपि वंशी प्रिय सखी, ब्रह्म संहिता में वर्णन है कि वृंदावन में बाल बाल सखा सखिया कृष्ण के साथ जो भी बोलते थे, संगीत में बोलते, गीत में ही बोलते थे, पोएट्री होता था, गद्य पाठ बहुत कम होता था, संगीत में चर्चा चलती। कथा गानम, सुखदेव जी ने भी भागवत कथा को गाया। तो हम कुछ विशेष बातें आप भक्तों से शेयर करना चाहते हैं आज सोमवार प्रथम, इस वीक के प्रथम सत्संग में। ऑफ कोर्स निश्चित नित्यानंद प्रभु के गुणों को हम सुनने का प्रयास करेंगे आज, लेकिन उसके पूर्व कुछ बात है जो मेरे मन में अभी स्मरण हो रही है। मध्वाचार्य, जिसका कल तिरुभाव तिथि था, और उसकी बहुत सारी बातें हैं, लीलाएं हैं, वो तो हमें नहीं कहनी अभी, लेकिन उसका जो तिरोभाव था वो बहुत ग्लोरियस था। अब भारत में, कर्नाटक में वो उडुपी कृष्ण मंदिर बड़ा फेमस है, वो वृंदावन द्वारिका गुजरात का जो गोपी चंदन का एक जहाज जा रहा था, और उसमें से मध्वाचार्य ने उस गोपी चंदन शिला को तोड़ा तो उसके अंदर से ये कृष्ण विग्रह प्रकट हुआ। कहते कि रुक्मणी उसकी सेवा करती थी, फिर अनिरुद्ध करते थे, बहुत बड़ी बातें हैं सब, दिव्य दिव्य लीला तो मैं नहीं कहनी, लेकिन हमें तिरोभाव को स्मरण करना है। भीष्म का किया ना आप लोगों ने ऐसे, कि वहां पर आज भी तो आप जाओगे, कभी उडुपी इंडिया गए होंगे तो उडुपी कृष्ण मंदिर में, जो उसके बाजू में एक शिव जी का मंदिर है, अनंतेश्वर महादेव, राजपीठ पूट कहते हैं उसको, राजपीठ कहते हैं। तो अनंतेश्वर महादेव के सामने मध्वाचार्य बैठे थे, और तैत्तरीय उपनिषद के अपने शिष्य को व्याख्या कर रहे हैं। तैत्तरीय उपनिषद है ना, आपने प्रभुपाद के गीता तात्पर्य पढ़े होंगे, तो उसमें मुंडक उपनिषद, कठोपनिषद, सीतासर उपनिषद, बृहदारण्य उपनिषद, कुछ कुछ उपनिषदों के कोटेशन प्रभुपाद ने दिए हैं शास्त्रों से, राइट। उसमें तैत्तरीय उपनिषद है, तो वो याज्ञवल्क्य जी का संवाद है, प्राय हमने कुछ पढ़ा है उसके कुछ अंशों को। तो मध्वाचार्य व्याख्या कर रहे थे अपने शिष्यों से, और इतनी सुंदर डेफिनेशन व्याख्या कर रहे थे संस्कृत के उन सूत्रों की, तैत्तरीय उपनिषद की, और उसी समय आकाश में सब देवता प्रकट हो गए, इंद्र सूर्य चंद्र वरुण रुद्र सब देवता, और मध्वाचार्य की वो उपनिषदों के प्रवचन से इतने प्रसन्न हो गए कि आकाश से
अपने दिव्य स्वर्ग के इंद्रदेव पारिजात मंदार आदि पुष्पों की वर्षा की मध्वाचार्य के ऊपर। बड़ी सुगंधित पारिजात पुष्प और ये मंदार पुष्प, ये वैजयंती माला में ये दोनों पांच पुष्प होते हैं, इसमें ये दो पुष्प भी होते हैं, तुलसी कुंद मंदार पारिजात सरोवर पंचेत ग्रथिता माला वैजयंती प्रकीर्तिता, पांच प्रकार के फूलों की माला को वैजयंती कहते हैं ना कृष्ण की, तो उसमें मंदार एक पुष्प है और एक पारिजात, तो ये बहुत सुगंधी होते हैं ये पुष्प। और स्वर्ग के आप विचार करिए, दिव्य लोक के, पृथ्वी के नहीं। और इंद्र आदि वर्षा कर रहे थे, क्यों? क्योंकि कथा इतनी सुंदर मध्वाचार्य बोल रहे थे, मतलब एक एक शब्द का इतना सुंदर अर्थ मधुर तरीके से और बड़े सरल तरीके से भाव बता रहे थे, तो वहां के पंडित ब्राह्मण उनके शिष्य सब बड़े बड़े विद्वान बैठे थे, वो तो सब प्रसन्न थे मनुष्य, लेकिन आकाश से देवता सुनने आए और वे भी प्रसन्न होकर पुष्प बरसा रहे। इतने पुष्प बरसाए कि मध्वाचार्य जो बैठे थे प्रवचन में, उसका पूरा शरीर पुष्पों से ढक गया। जैसे हम लोग भगवान का अभिषेक करते तो छोटे से विग्रह घर में और भारी पुष्प डालते तो फिर पूरा ढक जाता है ना विग्रह भगवान का, पूरा ढक गया देवताओं के पुष्पों से। और फिर उसके शिष्यों ने उस पुष्पों को हटाया तो केवल पुष्प ही निकले, मध्वाचार्य डिसअपीयर, अंतर ध्यान हो गए। ये है तिरोभाव हमारे आचार्य का। हम लोग कहते ना मध्वा विवार मध्वा, चैतन्य महाप्रभु ने इसको चुना चार संप्रदाय में, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के हम, तो ये हमारे मध्वाचार्य कौन है? सामान्य नहीं है, वायुदेव के अवतार है, साक्षात वायु जो हनुमान बन के आए थे और रामलीला में, और द्वापर में क्या नाम भीमसेन, और कलयुग में मध्वाचार्य बन के आए, राइट? तो वेदव्यास जी आज भी मध्वाचार्य प्रकट रूप में बद्री का आश्रम में है, उत्तर बद्री में व्यास जी से सत्संग सुनते रहते हैं, ऐसा इतिहास है। कई लोगों को दर्शन भी दिए हैं उनके शिष्यों मध्वाचार्य। तो अप्रकट तो हुए उडुपी में शिव जी के सामने, लेकिन प्रकट आज भी कभी कभी दर्शन मतलब सत्संग सुनते हैं। तो मैं जस्ट आप लोगों ने संडे तो रेस्ट में गवाया या जो भी किया हो, लेकिन मैं वापस ला रहा हूँ उस समय को कि मध्वाचार्य इतने महान थे, इतने सुंदर वेदों की व्याख्या और रस तात्पर्य बताते थे कि देवताओं ने पुष्प वृष्टि कर दी और उस पुष्प वृष्टि में ही वो नित्य लीला प्रविष्ट हो गए, दर्शन ही नहीं हुए। तो ये है मध्वाचार्य का तिरुभाव। श्रीपाद मध्वाचार्य की जय। और नाउ टुडे माघ शुक्ल दसवीं है आज, बराबर, और आज श्रीपाद रामानुजाचार्य का तिरोभाव तिथि है। तो उन्होंने भी कैसे शरीर छोड़ा, ये भी दिव्य है। भीष्म का तो ग्लोरियस दिव्य है, लेकिन वो द्वापर की बात थी। देखो कलयुग में भी वैष्णव आचार्य जिन्होंने कृष्ण की भक्ति की है, उन्होंने कैसे मृत्यु पर विजय प्राप्त किया है और उसका होल लाइफ कितना ग्लोरियस है, इसको सुन के हम शुद्ध होते हैं और हमें पावर एम्पावर्ड भी होते हैं, हम लोग को शक्ति भी मिलता है और इन आचार्यों की कृपा से हमारी गति भी बेस्ट हो सकती है, इसलिए इनको सुनना चाहिए, राइट? तो आप समझोगे कि अगर कोई भी तिरुभाव आविर्भाव हम मनाते हैं भगवान आचार्यों का, जो भी दिव्य शक्तियों का, लेकिन कथा से ही उसमें प्राण आते हैं उस उत्सव में। मैं ये कहने जा रहा हूँ, आप लोग भी समझ रहे होंगे। तो विशेष तो हमें आदेश है, आप भक्तों का भाव है कि हमें नित्यानंद प्रभु के चरित्र को सुनाना है, और आज सौभाग्य से श्रीपाद रामानुजाचार्य का तिरुभाव तिथि है। और आपकी जानकारी के लिए कि ये बलराम, ये नित्यानंद, ये अनंत शेष, यही तत्व श्री रामानुजाचार्य बन के पृथ्वी पर आए। रामानुजा जी से कोई अलग नहीं है, वो साक्षात शेष नाग शेष के अंश है। चेतन चरितामृत में शेषांश भागे न जो शब्द आया है ना, कारण पूर्व जितने भी पुरुष अवतार लेने वाले और उसमें अंतिम शेष अवतार नित्यानंद राम चरणम प्रपद्ये, कविराज जी ने नित्यानंद महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करते हुए पहले यही बात की है कि जिन्होंने तीन अवतार लिए कारण गर्भ शिरो और उसके बाद अनंत शेष के रूप में और इस तरह सृष्टि लीला में भगवान की सहायता करते हैं, ऐसे श्री नित्यानंद को मैं प्रणाम करता हूँ। तो ऐसे कविराज जी ने भी याद किया है,
तो हम नित्यानंद लीला और श्रीपद रामानुजाचार्य की दोनों की बात आज करेंगे। आप सभी भक्त धैर्य से इसका रस लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और लीला के साथ कुछ सिद्धांत, कुछ तत्व और कुछ शब्दों के अर्थ का भी हम आस्वादन करेंगे। तो वृंदावन दास ठाकुर जो वेद व्यास के अवतार थे, कविराज जी ने लिखा है चैतन्य लीला र व्यास वृंदावन दास, और वृंदावन दास में जो व्यास अंश अवतार है उन्होंने चैतन्य भागवत लिखा है, राइट। पहले उनका नाम चैतन्य मंगल था लेकिन फिर चैतन्य भागवत कर दिया उस ग्रंथ का नाम। और वृंदावन दास ठाकुर के इष्ट देव नित्यानंद प्रभु है, ये भी एक जानना है आप लोगों को। तो नित्य और ये वृंदावन दास ठाकुर कौन है अभी इसके लिए उसकी भी अलग प्रवचन हो जाएगा उसका एक, लेकिन उनका भी कभी आएगा तिरुभाव तो चर्चा कर लेंगे। लेकिन संक्षेप में कि व्यास के अवतार ओके, लेकिन चैतन्य लीला में श्रीवास पंडित जो है पंच तत्व में श्रीवास जो नारद जी के अंश है, श्रीवास श्रीवास आंगन मायापुर में है ना, वो श्रीवास के बड़े भाई, वो पांच भाई थे श्रीवास ठाकुर, तो उसके बड़े भाई की पुत्री थी नारायणी, आपने नाम सुना होगा, छोटी सी लड़की जो चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन करते थे श्रीवास आंगन में तो उसकी भतीजी 5 साल की नारायणी बड़ी सेवा करती थी भक्तों की, जाड़ो निकालना पानी देना, आप चैतन्य भागवत में ये वर्णन सुने होंगे। और उसी नारायणी के पुत्र है वृंदावन दास ठाकुर। तो क्या है वर्णन भक्तों, वर्णन ये है कि चैतन्य महाप्रभु नारायणी से श्रीवास ठाकुर की भतीजी से उनकी वैष्णव सेवा से इतनी प्रसन्न हो गए थे चैतन्य महाप्रभु जी कि अपना उचिष्ट महाप्रसाद उसको स्पेशल देते नारायणी को, तब तक अंजन गौरांग, और उसी प्रेम महाप्रभु का महाप्रसाद अधरों से लगा हुआ अधरामृत जिनके पेट में गया है, और उस श्रीवास के आंगन के जो दिव्य कीर्तन जो शुद्ध भक्तों के लिए था, सबको एंट्री भी नहीं था, आपको पता होगा श्रीवास आंगन के कीर्तन के विषय में, और वहां पर उसकी एंट्री थी और वहां कीर्तन भी देखा है, उन वैष्णवों की सेवा की है नारायणी ने, और महाप्रभु का महाप्रसाद डायरेक्ट खाया है, और ऐसे नारायणी के सुपुत्र है वृंदावन दास ठाकुर। मैं क्यों बता रहा हूं ये बात, क्योंकि महाप्रभु की कृपा से नारायणी के प्रसाद और सेवा वैष्णव सेवा के प्रभाव से वृंदावन दास ठाकुर सब लीला को जानते हैं, चेतन महाप्रभु की नित्यानंद प्रभु, कोई तप जप नहीं करना पड़ा, ये कृपा है। तो वृंदावन दास ठाकुर की कुछ बातें बताई लीला और कुछ मतलब उसका संबंध रिलेशन ब्लड रिलेशन और वंश और बाकी तो अवतार की बात तो हमने कही थी कि वो व्यास के अवतार है, राइट। और ऐस उनके इष्ट देव है नित्यानंद प्रभु जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। अब चैतन्य भागवत में नित्यानंद प्रभु ने वृंदावन दास ठाकुर ने नित्यानंद प्रभु को कुछ विशेषण दिए है जो आप भक्तों को जानना चाहिए, जैसे नित्याय चांद, नित्याय नित्यानंद राय, राय कहा है, नित्याय चांद कहा है, नित्याय मल्ल कहा है, नित्याय महामहेश्वर कहा है, अलग अलग जगह चैतन्य के प्रिय विग्रह कहा है। नित्यानंद प्रभु का जब जब लीला का चर्चा होगा तो उसके अंदर जो नित्यानंद प्रभु का नाम लिया जाएगा तो नित्यानंद राय, नित्याय चांद, नित्याय अवधूत, अवधूत भी कहा है, और आप लोग रोज मंगलाचरण में बोलते हो ना, साद्वैतम सा अवधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देव। परिजन भक्तों के साथ हम चैतन्य देव को प्रणाम करते हैं और साद्वैत साथ में अलोंग विथ अद्वैता अलोंग विथ नित्यानंद, नित्यानंद नाम नहीं दिया, सा अवधूत सा मतलब साथ में हम अवधूत को प्रणाम करते। अवधूत अवधूत मतलब कौन, तो आप सभी गौड़ी वैष्णव प्राय सत्संग करते इसलिए जानते हो कि नित्यानंद प्रभु को अवधूत कहते थे, और शास्त्रों में अवधूत शब्द का क्या डेफिनेशन है, अवधूत किसे कहते हैं, तो आपने ये भी सुना होगा भक्तों से
कि जो कृष्ण प्रेम भक्ति में पागल हो और अपनी देह सुधि भुला हुआ हो, पागल जैसा है, उसको अवधूत कहते हैं। मतलब क्या पहनना, क्या खाना, क्या करना, कहाँ जाना, जिसे कुछ भी भान न रहे, बुद्धि न रहे, अपने में ही खोया रहे, मस्त रहे, उसको अवधूत कहते हैं। तो हमारे यहाँ कहते हैं अवधूत का काम क्या होता है जानते हैं? कि कृष्ण को खोजना नहीं है, ध्यान दीजिए, आप लोग के लिए, हम लोग के लिए भी है, हमें कृष्ण को खोजना नहीं है, हमें कृष्ण में खो जाना है, इसलिए कृष्ण खुद हमें खोज लेंगे। हम लोग सब कृष्ण को खोजते हैं, लेकिन हमें कृष्ण की लीला में, कृष्ण के कीर्तन में, कृष्ण की कथा सेवा में खो जाना है, अपने आप को भुला देना है। और जब हम कृष्ण के कीर्तन कथा में खो जाएंगे तो कृष्ण खुद हमें खोज लेंगे। ये भक्तों की प्यारी बात है। तो कृष्णदास ये बात समझता है, एक प्रेमी कहता है कि हमारे हाथ की लकीरें भी कुछ खास है, हमारे हाथ की लकीरें भी कुछ खास है, क्योंकि हम श्री द्वारिकाधीश के दास है, क्योंकि हम कृष्ण के दास है, और कृष्ण का दास ब्रह्मांड का स्वामी हो सकता है। तो भगवान के दासों के विषय में क्या क्या शास्त्र में कहा, प्रभुपाद गुरु वैष्णव कृपा से हमें ये सौभाग्य मिला है। हम वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु को अवधूत क्यों कहते हैं और भी वैष्णव, तो भागवत में हमारे सुखदेव जी वाले भागवत, श्रीमद भागवत में ऋषभ देव को अवधूत कहा है सुखदेव जी ने, विदुर जी को अवधूत कहा है, और तीसरा अवधूत टाइटल भागवत जी में जड़ भरत के लिए आया। भागवत आप लोग पढ़े होंगे श्रीमद भागवत, तो उसमें जहां तक हमारा अध्ययन है, श्रवण है, तो उस अनुसार अवधूत शब्द भागवत जी में तीन व्यक्तियों को निर्देश किया गया है, विदुर जी को, ऋषभ देव को और जड़ भरत जी को पंचम स्कंद में। और आप उनका वर्णन देखेंगे ऐसा ही है, ऋषभ देव अंत में अवधूत जैसा आचरण करते थे, और जड़ भरत का तो आपने सुना ही होगा कि वो तो कुछ भी भूल ही जाते थे, सब बैठे रहते थे, खाते रहते, कुछ भी करते रहते थे पागल जैसे, राइट। और विदुर जी भी तीर्थ यात्रा के लिए निकले, तो उसका ऐसा ही वर्णन तीसरे स्कंद में आया है, फॉर योर इंफॉर्मेशन। ओके, अब हम क्या चर्चा कर रहे थे कि वृंदावन दास ठाकुर ने राय कहा है, चांद कहा है, अवधूत कहा है, नित्यानंद प्रभु को महेश्वर कहा है, ये सब कुछ कहा है। ओके, तो आज हम नित्यानंद चरित्र में, लीला में प्रवेश करें, उसके पहले आप सभी वैष्णव जो रोज बोलते हो साध्वैत सावधूत परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देव, तो उसमें अवधूत शब्द का डेफिनेशन सुनेंगे कि नित्यानंद प्रभु को अवधूत क्यों कहते हैं। ओके, और अवधूत शब्द का मीनिंग क्या होता है। फॉर ऐसे तो बोल दिया पागल जो अपनी देह सुधि भूल जाए, ओके, लेकिन किसी भी वस्तु का शास्त्रीय विद्वत सभा में शब्द का सही अर्थ होना चाहिए, राइट। तो अवधूत शब्द का डेफिनेशन हमारे विद्वानों ने, वैष्णवों ने दिया है शास्त्रों से, कि महानिर्वाण तंत्र का ये श्लोक है और उसमें वर्णन है, यो विलंघ्यात् श्रमान् वर्णान् आत्मनेव स्थित पुमान् अतिवर्णाश्रमो योगी अवधूत स कथ्यते, स उस व्यक्ति को अवधूत कथ्यते, अवधूत कहा जाता है। किस व्यक्ति को अवधूत कहा जाता है? अतिवर्णाश्रमो योगी, जो वर्ण और आश्रम से अतिक्रमण कर जाए, बियॉन्ड इन वर्ण एंड आश्रम सिस्टम, जिसका कैरेक्टर, जिसका व्यवहार, जिसका चरित्र वर्ण आश्रम से ऊपर चला जाए, मतलब वर्ण को फॉलो ना करें, फॉलो नहीं करेगा और आश्रम को भी फॉलो नहीं करेगा, मतलब उसको देखते ही, उससे मिलते ही और उसके व्यवहार को देखते ही आप फिक्स न कर पाओ कि ये किस वर्ण का है और किस आश्रम का है, ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि शूद्र है कि सन्यासी है कि गृहस्थ है, क्योंकि कभी भी कुछ भी करता है।
तो व्यक्ति फिक्स नहीं कर पाते उसको देख के, उनको उनको समझ नहीं पाते, राइट। और यो विलंग्यात श्रमान वर्णा, जिसने अपने मन को आत्मा में इतना लगा दिया है, आत्मा परमात्मा में इतना लीन रहता है कि वो खुद उसे भी नहीं पता कि मैं किस वर्ण का हूं और किस आश्रम का हूं। जैसे हम लोग कितने ही ज्ञानी हो फिर भी भान में है कि हाँ मैं पटेल छू, मैं ये दास हूं, मेरा ये आई कार्ड है, मेरा ये ग्रीन कार्ड, मेरा ये आधार, सब बोलते नहीं है कभी हम, हमारी हम जानते हैं कि हम आत्मा है, ये हम कुछ भी नहीं है, दूसरे को भी बोलते हैं, लेकिन फिर भी व्यवहार चलाने के लिए या अध्यात्म बुद्धि हमारा लगा हुआ है अंदर से, तो ये तो भूले ही रहते थे कि मैं कौन हूं, ये अवधूत का लक्षण है। और आत्मनि एव स्थित पुमान, पुमान मतलब मनुष्य, जो अपने आत्मा में ही अवस्थित रहे, मतलब अपने स्वरूप में रहे और वर्ण श्रम वर्णाश्रम से अतिक्रमण कर जाए, उसे अवधूत कहते हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए, क्योंकि कई बार आपने ये शब्द, आपको भी कोई लोग पूछते थे अवधूत मतलब क्या, तो अवधूत का डेफिनेशन क्या, तो ये श्लोक है। और यह श्लोक आपको चाहिए तो मैं बाद में आपको भेज दूंगा प्रभु जी को, हरिलीला प्रभु को व्हाट्सएप में, आप लोग इसको चिंतन कर सकते हो। अभी एक श्लोक में अवधूत शब्द का अर्थ बताया, फिर से पढ़ता हूं। यो विलंघ्यात श्रमान वर्णान आत्मनि एव स्थित पुमान अति वर्णाश्रमो योगी अवधूत स कथ्यते, उसको अवधूत कहते हैं। और अभी देखो ये तो चार शब्द का अर्थ है अवधूत, लेकिन एक एक शब्द के लिए एक एक श्लोक दिया है। हमारे आचार्यों ने है ना किसी भी वस्तु का पोस्टमार्टम किया एकदम, तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। अ मतलब क्या, तो कहते हैं कि आशा पास विनिर्मुक्ते आदि मध्यांत निर्मल आनंद वर्तते नित्यम अकारम तस्य लक्षणम, जो नित्य आनंद में रहता है और संसार की कोई भी विषयों की आशा के बंधन से जो मुक्त है, और जो आशा से मुक्त है और आनंद में रहता है, वो अकार का लक्षण है। वासना को जिसने वर्जित कर दिया है और जिसका वक्तव्य निरामयम स्वार्थ शून्य होता है और हमेशा वर्तमान में जीता है, वो वह का सूचक, उसका भी श्लोक है। वासना वर्जिते येन वक्तव्यं च निरामयं वर्तमान वर्ततेषु वकार तस्य लक्षणम्। तीसरा शब्द है ध धूत, धूलि धूसर गात्राणि धूत चित्तो निरामय धारणा ध्यान निर्युक्तो धकारम तस्य लक्षणम्। जिसका शरीर धूलि वाला, जैसे जड़ भरत जी धूलि जम जाती, महाराज जी तो व्याख्या करते थे कि जड़ भरत जी के ऊपर धूली का मतलब कीचड़ मड का, धूली और पानी का और उसके पसीने का जो भी कही, वो इतना थर हो जाता था लेयर कि वो जो जनोई पहनते थे ना ब्राह्मण ने उसको पहने थे उसके पिता ने, वो तो दिखती उसके शरीर में खुम हो गई, उसके ऊपर थर लग गया था, जैसे कोई लेप करते ना हम लोग चंदन का, ऐसे मिट्टी का लेप हो जाता था, नहाते ही नहीं। जड़ भरत के विषय में भागवत जी में है ये श्लोक आया है, राइट। तो और नित्यानंद प्रभु के विषय में भी आपने सुना होगा, लोचनदास ठाकुर ने गाया है ना, तो वो एक भजन है नित्यानंद प्रभु का, क्रोध परमानंद नित्यानंद राय, उसके अंदर लिखा है इत्ता बोली, हाँ गौरांग बोलने के लिए जब चैतन्य नित्यानंद प्रभु प्रचार करते थे तो नित्यानंद भूमे गड़ी जाए सुना रहो पर्वत जिन धुलाते लोटाए, अमार किनियाल बोलो गौर हरि। नित्यानंद प्रभु जब निकलते थे नवदीप की गलियों में तो कहते थे बोलो गौर हरि, अभी बोलो गौर हरि, तो अपने अपने स्थान पे, ओके माइक म्यूट नहीं करना है लेकिन गौर हरि, तो कहते थे अगर आप गौर हरि बोलोगे तो नित्यानंद प्रभु कहते अगर आपके मुख से गौर हरि निकला तो तुम मुझे खरीद लो, मैं गौर हरि के एक नाम पर बिकने को अपनी सब कुछ न्यौछावर करता हूँ। बोले हमको खरीदना है नित्यानंद प्रभु कहते थे, तो आप एक बार गौर हरि बोलो, और कोई सामने कोई बंगाली आदमी भारतीय गौर हरि ऐसा बोल देता था मजाक में मस्ती में, तो गौर हरि सुन के नित्यानंद प्रभु को इतना रोमांच कंपा शुरू होता था कि उसी धोली में वो लौटने लगते, उसी धोली में पूरा बदन उसमें रम रहे हैं।
और रोते रहते थे। तो लोचनदास ठाकुर ने भाव समाधि में अपनी भक्ति के बल पर ये देखा है और इसलिए वो गा रहे हैं कि इत बोली नित्यानंद भूमि गड़ी जाए, सोनार पर्वत जेन धुलाते लोटाए। तो ऐसा लगता था कि गोल्ड, जो कि नित्यानंद प्रभु का शरीर भी तो एकदम उज्जवल सोने जैसा है, तो सोना का पर्वत जैसे, गोल्ड का माउंटेन जैसे पृथ्वी में टूट गया हो, लौट रहा हो, ऐसा लगता था। एनीवे हम धूली पर बात करें, राइट। धूली दूसर गात्राणी, गात्राणी मतलब पार्ट, लिम्ब, शरीर के अंग, और धुत चित्तो निरामय, और जो हमेशा अपने आत्मा परमात्मा में धारणा में ध्यान में लगा रहता है, इसको धू। और लास्ट शब्द क्या है, त, अवधूत। त शब्द के विषय में भी पर्सनल श्लोक है, तत्व चिंता धृता ये न चिंता चेष्टा भी वर्जिता। जिसके चित्त में संसार की कोई चिंता न हो और जिसका चित्त ऑलवेज तत्व में, गीता में है ना, जानाति तत्वतः एवं यो जानाति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म न विद्यते। तत्व में जो कोई, जिसका चित्त तत्व में लगा रहता है और चिंता से मुक्त रहता है और तमो अहंकार निर्मुक्त, और जो तमो गुण से अहंकार से मुक्त रहता है, तकारम तस्य लक्षणम, ये त शब्द का अर्थ है। अबे तुमने आटली बधी माथाकूट में न जाओ भाई, तो मैं सरल भाषा में अवधूत शब्द समझायो छे, आ तो विद्वानों माटे छे, पण आपणे प्रेमीओ माटे अलग वात छे। अ एटले आशा वगरनो, व एटले वासना वगरनो, ध एटले भगवान ने ध्यान में पूर्ण खोवायेलो, અને ત એટલે તત્વને જાણવા વાળો, આને કહેવાય અવધૂત। ઓકે, આટલું બધા શ્લોકો બહુ હાર્ડ પડે, પણ જેને કોઈ સંસારની આશા ન હોય, વિષયની ભોગોની આશા શૂન્ય, અને વાસના કોઈ પણ કામ ક્રોધ લોભ આદિ વાસનાથી શૂન્ય, અને ભગવાનના ધ્યાનમાં નિત્ય લાગેલો હોય સ્મરણમાં, અને તત્વને જાણતો હોય, તો આને તમે કહી શકો અવધૂત। अब मैं श्लोक में बोला, एक शब्द का अर्थ बताया अवधूत, फिर अ ध उसके भी अर्थ बताया, और एकदम इसका सरल। अब आप कभी समझ, कोई आपको पूछे अवधूत मीन्स क्या, तो आप उसको समझ सकते हो, उत्तर दे सकते हो। जब हम नित्यानंद प्रभु की लीला की चर्चा करेंगे तो आपको अवधूत पना उसमें दिखेगा कि कभी कहाँ कहाँ अवधूत प्रकट हुआ है नित्यानंद प्रभु के स्वरूप में। अपने चरित्र में चैतन्य भागवत में बहुत सारी लीला में नित्यानंद प्रभु ने अवधूत वाला नाटक किया, तो लेकिन उसको सब लोगों के सामने कहना भी मुश्किल है जो नित्यानंद प्रभु का चरित्र है, क्योंकि वो कुछ भी करते थे। उत्पटान, गंगा के तट पर चलते चलते मगर को देखते थे, क्रोकोडाइल को, तो सब भक्त कीर्तन कर रहे हरिदास ठाकुर ये सब, तो नित्यानंद प्रभु बोले ओए क्रोकोडाइल देखो मगर, और उसको देख के जोर से उसमें कूदते थे गंगा में, और वो मगर जो होता था क्रोकोडाइल उसको पकड़ने के लिए दौड़ते थे, सब भक्त चिल्लाते अरे नित्यानंद प्रभु नित्यानंद क्या कर रहे हो, लेकिन बोले नहीं मैं मगर को पकड़ूंगा। अभी अब देखो कौन इसको समझ पाएगा। और सामने से मान लीजिए कोई कोई बफेलो भैंस आ रही है, या भैंस के प्रभु जी, क्या कहते हैं आप उसको, तो बफेलो चंदर जो भी है, पाड़ो क्या हमारे गुजराती में, उसको देखते, क्योंकि गांव में तो चलते ना ये सब, तो रस्ते पे कीर्तन करते हुए जाते और सामने से कोई भैंसा आ रहा है, महिषा संस्कृत में कहते हैं ना, उसको मारा इसलिए महिषासुरिनी माता जी को कहते हैं, वो असुर महिष का रूप लिया था, भैंसे का। हाँ, ये जो भैंसा है ना, ये क्या नाम, यमराज जी का मर्सिडीज है, यू नो आप सब जानते होंगे, सबके वाहन होते हैं ना, तो यमराज भैंसे पे चलते, इसलिए भैंसे को देख के प्रणाम करना आप लोग, ओके, क्योंकि यमराज के वाहन है, उसको कहना दूर रहो, हमारे पड़ोसी के पास जाओ, मतलब हमको मत मिलो, यमराज का क्या काम है, उठा के ले जाएंगे, हमारा तिरोभाव हो जाएगा इन लोगों की तिरोभाव की चर्चा में। तो एनीवे, लेकिन चर्चा क्या हो रही है, नित्यानंद प्रभु ऐसे भैंसे को देख के जंप लगा के उसके ऊपर बैठ जाते और कहते थे अमी महेश, देखो मैं शिव हूं, सब मुझे प्रणाम करो। अब देखो पागल एकदम, कब क्या करे क्या भरोसा, भैंसे पे चढ़ के और हाथ में ऐसे त्रिशूल का एक्टिंग करके बोले मैं महेश हूं और सब लोग मेरे को प्रणाम करो। अब सब भक्त लोग कीर्तन करते हुए हंसते हुए क्या करें, और ऐसा भी करते थे आप भक्त लोग आश्चर्य रह जाएंगे। मान लीजिए पानी भरती हुई कोई स्त्री आती थी सामने, गंगा तट पे पानी भरने जाते ना गांव में,
पहले की स्त्रियां गांव में पानी का बेड़ा, उसके ऊपर पानी का बेड़ा होता था, राइट। और ऐसा कहा गया है हमारे भारतीय ज्योतिष शास्त्र में कि पानी भरती हुई नारी सामने मिले ना, तो ये शुकन माना जाता है, ये शुभ माना जाता है। बिस्लरी वाले के विषय में कुछ नहीं लिखा कि पानी बोतल लेके आए उसका क्या है, लेकिन पानी का बेड़ा सर पे हो तो ये शुकन माना जाता है, शगुन माना जाता था हमारे भारत, आदि शास्त्र कहता है। तो गांव में ये दृश्य मिलता है, राइट, शहर में तो कहाँ शुकन। तो नित्यानंद प्रभु इतने प्रेम में मतवाले होते थे कभी कभी कि स्त्री पुरुष कुछ नहीं, वो जो पानी भरी हुई बाहर सर पर बेड़ा है ना, उसके घूंघट होता था थोड़ा, तो उसको ऊंचा करके कहते थे मुझसे शादी करोगी। अब बताओ, कीर्तन करने निकले हरिदास ठाकुर एकदम साइड में मुंह छुपा के बोले क्या कर रहा है ये पाग। अब हरिदास चेतन महाप्रभु के पास कहा कहते थे कि मैं इसकी कंपनी में नहीं जाऊंगा, कीर्तन मार खवाएगा हमको, पता नहीं। लेकिन नित्यानंद वो कुछ भी करते। अब बताओ ये सब लीला कैसे बताए लोग, क्योंकि बिना प्रेम भक्ति या नित्यानंद प्रभु का तत्व जाने बिना ये लीला सुनेंगे तो व्यक्ति अपराध कर सकता है, उसको सामान्य समझ सकता है, ये सामान्य पागल समझ लेगा। इसलिए अवधूत क्यों कहा गया, अगर आप ये पहले समझ लो कि वो आत्मा में खोए है, वो तत्व ज्ञानी है, आशा वासना ये सब है, तब इस लीला का आस्वादन कर पाओ। इसीलिए शायद हमारे गौड़ी आचार्यों ने मंगलाचरण में इसका वर्णन नहीं किया लेकिन वंदन किया, क्योंकि तो वर्णन करने तो समर्थ ही नहीं है हम लोग इनका कर सके। क्यों? क्योंकि ये नित्यानंद कौन है जो पूरे ब्रह्मांड को अपने सर पर, एक मस्टर्ड भी कहता है, राई का सरसों का दाना जितना पृथ्वी लगता है, इतना विशाल जिस शेष का मुख है, और ऐसे शेष जिनके अंश के अंश है, ये बलराम स्वयं है, बलराम वहील निता है। तो तत्व जानोगे तब नित्यानंद की लीला में शंका नहीं। और आगे ये सब चैतन्य भागवत में लीला है, चैतन्य महाप्रभु ने भी परीक्षा ली थी श्रीवास इस विषय में। चैतन्य महाप्रभु ने एक बार श्रीवास से कहा, क्योंकि नित्यानंद प्रभु श्रीवास ठाकुर के घर में ही रहते थे, श्रीवास आंगन में। मालिनी जो श्रीवास की पत्नी थी, वो नित्यानंद प्रभु से बहुत पुत्रवत प्रेम कर, उसको खाना खिलाना, उसके कपड़े धोना, उसके संभालना, सब कुछ पूरा केयर करती थी, जैसे माँ बच्चे का करती है ना, ऐसे करती मालिनी देवी। और श्रीवास भी बड़े प्रसन्न थे, बोले हमारा जीवन धन्य है हमारा, क्योंकि साक्षात ब्रह्मांड अधिपति बलराम, तो जानते थे श्रीवास नारद है ना, कि हमारे घर में नित्यानंद रह रहे हैं, तो उसको सुख मिलता था। लेकिन निमाई पंडित चैतन्य महाप्रभु श्रीवास के यहाँ कीर्तन करने जाते थे रात में, तो फिर पूछते थे, ए श्रीवास ये नो केनो राखी लो घरे, इस अवधूत को घर पे क्यों रखा है। श्रीवास कहते थे, भाई क्या प्रॉब्लम है। बोले इसके कुल का खानदान का कुछ पता है, कौन सी जाति का है, और क्या नाटक कौन सी कब करके आता है, पूरे नवद्वीप में इसकी चर्चा सुनी है ना, जैसे अभी हमने सुना है ना ऐसा ही। और ऐसे अवधूत को तुम घर पे रख रहे हो जिसकी जाति का नहीं पता, तुम ब्राह्मण हो, श्रीवास पंडित ब्राह्मण थे, तुम ब्राह्मण हो के ये पता नहीं किस जाति का है, और वास्तव में इनकी कोई जाति नहीं है, क्योंकि ये तो सबसे ऊपर है, ये वर्ण जाति भगवान तो सच्चिदानंद है ना, इसके आध्यात्मिक अर्थ भी है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु मजाक कर, मतलब परीक्षा लेते थे श्रीवास की, तो क्या करे श्रीवास पूछते, बोले इसको बाहर निकालो, चैतन्य महाप्रभु कहते थे, क्योंकि पता नहीं कहाँ खा के आता है, कहाँ पी के आता है, कहाँ सो के आता है, और बाहर कितना घूमता रहता है, और तुम इसको घर में रख रहे, तुम्हारा ब्राह्मण कुल भी भ्रष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा इनको रखोगे तो। इतना सुनते ही श्रीवास ने क्या कहा जानते, चैतन्य भागवत ने, मदिरा यवनी यदि नित्यानंद धरे। चेतन महाप्रभु मैं आपको अपने दिल की बात बताऊं, बोले हाँ नित्यानंद प्रभु कुछ भी करे, वो मदिरा पिए, किसी अवनी मतलब किसी मुसलमान स्त्री को भी शादी करके घर में लाए, और खुद दारू पिए, कुछ भी करे, फिर भी नित्यानंद मेरे घर में ही रहेंगे, और वो मेरे जीवन प्राण है, मेरा कुल नष्ट हो जाए, भ्रष्ट हो जाए, होने दो। इतना सुन के चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा, लक्ष्मी भिक्षा करे यदि नगरे नगरे, नित्यानंद के ऊपर तुम्हें इतना विश्वास है श्रीवास, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि हो सके, अभी हो नहीं सकता लेकिन हो जाए, कि लक्ष्मी घर घर भीख मांगे तो मांगे, लेकिन तेरे घर में कभी अन्न की कमी नहीं हो।
चैतन्य महाप्रभु ने कहा, बोले तुमने मुझे खरीद लिया। चैतन्य महाप्रभु कहते जो नित्यानंद प्रभु के प्रति इतना विश्वास रखता है, चैतन्य महाप्रभु कहते कि वो मुझे खरीद लेता है, मैं उसके घर का गुलाम बनने को तैयार। ये सब मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, एक एक बहुत सुंदर बातें है इस तरह की। तो अवधूत आप समझिए इस बात को कि क्या वर्णन हो रहा है। तो आज तो इसमें समय जा रहा है हमारा, लेकिन वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि हमारे इष्ट देव नित्यानंद प्रभु है, जैसे श्रीवास ठाकुर ने कहा। तो अवधूत शब्द का थोड़ा हमने आस्वादन किया, अवधूत की एक लीला, मतलब कुछ संक्षेप में मैंने आपके कुछ वर्क बताए, मतलब नित्यानंद प्रभु के काम बताए, क्या क्या कर रहे थे, अवधूत अवधूतपना वाला काम। फिर भी भक्तों को समझना चाहिए कि वो स्वरूप में है, इसलिए उसको सामान्य न ले, राइट। इष्ट देव बंद मोर नित्यानंद राय, चैतन्य कीर्ति स्फुरे जहार कृपाय। ध्यान दीजिए, बहुत सुंदर बात। चैतन्य भागवत प्रारंभ करते हुए वृंदावन दास वेदव्यास लिखते हैं कि इष्ट देव मोर श्री नित्यानंद राय, नित्यानंद राय मेरे इष्ट देव है। और क्या आप उसकी जय क्यों बोल रहे हो, उसका स्मरण क्यों कर रहे हो? तो कहते हैं चैतन्य कीर्ति स्फुरे जहार कृपा। चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप, उनका वर्णन, उसकी लीला, उसकी प्रेम भक्ति नित्यानंद की कृपा से ही प्राप्त होगी। नीताय पद कमल कोटि चंद्र, उसमें है ना, बिनु नीताय हेनु भाई राधा कृष्ण भाई तेना। नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना संसार बंधन समाप्त नहीं होगा और चैतन्य चरण राधा कृष्ण प्रेम भी प्राप्त नहीं होगा। ये भजनों में आचार्यों ने आया है, संसारे रो पार होई भक्ति रो सागरे। आप संसार से त्रिताप से मुक्त होकर भक्ति सागर रस को पाना चाहते हो, जे डूबी के से भजे निताई चांदेरे, तो आप नित्यानंद प्रभु के चरणों का भजन करो, नहीं तो डूबोगे संसार सागर। तो आप भक्ति सागर में रहोगे जब नित्यानंद प्रभु का आश्रय लोगे, और उनके चरणों का आश्रय नहीं लोगे तो संसार सागर में डूबोगे। ये कौन कह रहे? वृंदावन दास ठाकुर। मुझे चैतन्य भागवत लिखना है। अब देखो सीक्रेट क्या है, वृंदावन दास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु की लीला लिखनी, लेकिन वो लीला लिखने बैठ गए नित्यानंद प्रभु। क्यों? वो कारण दे रहे कि मेरे इष्ट देव वो है, और दूसरा क्योंकि इनकी कृपा से ही मैं चैतन्य लीला को लिख पाऊंगा। शक्ति बल तो इसी से मिलेगा ना, क्योंकि बल के शक्ति के गुरु तत्व तो यही है नित्यानंद। इस बात को जानते हैं व्यास जी, इसलिए कह रहे हैं कौन है नित्यानंद, सुनिए। सहस्त्र वदन वंदो प्रभु बलराम, वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि साक्षात बलराम है, और ये साक्षात बलराम पृथ्वी को धारण करने के लिए सहस्त्र वदन हजार मुख वाले शेष बन जाते हैं पाताल में, और जहर सहस्त्र मुखे कृष्ण गुणधाम, और हजार मुख से बलराम जो शेषनाग उसके अंश है क्या करते हैं, बोले कृष्ण के गुणों को गाते हैं। तो आप और हम भी अगर कृष्ण के गुण गाना चाहते हैं तो हमें नित्यानंद प्रभु की, बलराम जी की कृपा की शक्ति की बहुत जरूरत है, राइट। समझ रहे होंगे आप लोग। महारत्न थुई जेन महाप्रिय स्थाने, मान लीजिए आपके पास कोई ज्वेल है, कोई गहना है, ऑर्नामेंट है, तो आप कोई कोई छुपे हुए स्थान में छुपाते हो कि नहीं? ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु या कृष्ण का गुणगान सबसे बड़ा रत्न है। कृष्ण गुणगान कथा रत्न को शेषनाग ने अपने सर पर रखा है, मतलब अपने मुख से गाते ही रहते हैं, गाते ही रहते हैं। और इसीलिए हम सबसे पहले अनंत शेष मुख से गुणगान गाने वाले श्री बलराम जो साक्षात नित्यानंद है, उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमें कृष्ण संकीर्तन करने की शक्ति दो। ये भाव है। अच्छा चलो, नित्यानंद प्रभु का कुछ सुन रहे हम लोग, उसके अंतर्गत मैं थोड़ा ऐड करूंगा। आज आज किसका हमने कहा था तिरोभाव? श्रीपाद रामानुजाचार्य का, राइट। रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के हेड है और साक्षात अनंत शेष है। राम के अनुज जो लक्ष्मण बन के आए थे, वही लक्ष्मण जी
कलयुग में श्री रामानुजाचार्य बन के अवतार लिए है। क्यों अवतार लिए है? कृष्ण भक्ति का स्थापना करने के लिए। ऐसा वर्णन है पुराणों में कि कलयुग के प्रारंभ होते ही एक बार भगवान महाविष्णु शिरोदक्षाई अपने शैया अपने बेड में गए। बेड क्या है विष्णु का? आप सभी जानते हो, मलमल का रुई का गद्दा नहीं है। अनंत शेष पर भगवान शैया करते और अनंत शेष भगवान के ऊपर छत्ता बन के रहते, राइट, विष्णु का। तो अनंत शेष भगवान की शैया है, शेषशाही भगवान कहते हैं ना, शेषाशाही। अब श्रीरंगम भारत में जाओ, शेषाशाही, शेषाशाही मकोट, शेषाशाही, शेषशाही, शिरोदक्षशाही आप बोलते ही हो। तो जैसे ही मतलब रेस्ट करने के लिए भगवान जाते हैं, और मैं आपको ये भी बता दूं थोड़ा कि भगवान विष्णु अनंत शेष की शैया बना के सोते। अनंत शेष कौन है? बलराम, और बलराम सेवक भगवान है, तो विष्णु के लिए शैया भी वही बनते हैं सुख देने के लिए, राइट। और वही लीला में बलराम बन के राम बनते हैं, तो लक्ष्मण बन के लीला में भी पार्ट लेते हैं, पांचों रस में सेवा करते हैं अनंत शेष। आप सब तत्व जानते होंगे, जो भी हो, तो भगवान विष्णु शेष शैया पे सोते हैं, मूल बात ये, और शेष शैया पे रेस्ट लेते हैं क्योंकि विष्णु है, भगवान है। और आपके गांव में, आपके देश में, आपके शहर में कोई अपने आप को भगवान का अवतार कहता है तो उसकी रूम में एक छोटा सा कोबरा छोड़ी है ना, कुंडा नहीं तो बड़ा हो जाएगा छोटा, फिर उसको कहिए कि इसके साथ सोइए, अगर आप विष्णु के अवतार है ना, सुबह तक लीला चलेगी तो प्रणाम करेगी, कोई सोएगा? अरे उस घर में सांप है छोटा, वो बोल दो ना तो भी व्यक्ति तांडव करेगा। आज कलयुग के मूर्ख लोग जो अपने आप को भगवान कहते हैं, उसके चेले लोग उसको बना देते हैं ना, वो कथा ठीक से पढ़ते नहीं। आप अप्लाई कर, इसको उदाहरण दीजिए कि भगवान के अवतार की बात कर, भगवान शेष के, शेष नाग पर सोते हैं। आप नाग पर मत सो, लेकिन नाग छोटा सा जिस घर में हो ना, उस रूम में जरा सो के तो दिखाओ, उसकी सारी भगवत्ता बाहर आएगी, राइट। और मैं तो सोचता हूं भगवान को कितना सुख मिलता होगा, भगवान शांति से सोते, बोलो शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, महाभारत का श्लोक है ना व्यास का, शांता, उसमें शांति से। अभी जिस घर में सांप गया हो स्नेक, वहां कभी शांति हो नहीं सकती रहने वालों, और ये शेष पर शांति क्योंकि भगवान है। बिल्कुल समझिए इस तत्व को, लीला से ही पता चल जाता कितने महान है। अब शेष पर सोते हैं तो एक बार भगवान सोने आए तो थोड़ा सा मुखड़ा मलिन, मतलब म्लान, उदास था, तो शेष, अनंत शेष जो सर पर छत्ता किए हुए है ना, शेष बलराम जी जो शेष नाग के रूप में, उन्होंने विष्णु से पूछा, भगवान विष्णु से, प्रभु क्यों आज उदास हो, विश्राम करे। बोले मुझे चिंता है कलयुग के जीवों की, जो विषय भोगों में पड़ के भवसागर में घूम रहे हैं। तो प्रभु आप तो अवतार लेते हो, गीता भी कहते हो, रामायण सब हो रहा है। बोले हाँ, लेकिन मंदा सुमंद मतयो, मंद भाग्य ही अपद्रिता। ये कलयुग के मंद बुद्धि वाले लोग, जिसका आयुष्य भी अल्प है, बुद्धि भी उससे अल्प है, ऐसे लोगों का उद्धार कैसे होगा? अब देखो, पिता को अपने बेटों की चिंता रहती है ना, तो भगवान परम पिता है, हम सब संसारी जीवों के लिए शेषनाग से अपने दिव्य धाम में चर्चा कर रहे हैं कि इनको कैसे उद्धार करें। बोले प्रभु क्या करें, मैं कुछ हेल्प करूं? बोले तुम ही कर सकते हो, कलयुग के जीवों का उद्धार भगवान कहते हैं, मैं नहीं कर सकता, लेकिन मेरा अंश, मेरा दास, मेरा सेवक कर सकता है, और वो आप हो। तो मतलब बोले आप जाओ पृथ्वी पर और कृष्ण भक्ति की स्थापना, किसने कहा? भगवान ने। और तब अनंत शेष भगवान की आज्ञा से कलयुग में सब भक्ति का प्रचार करने के लिए श्री रामानुजाचार्य बन के आए। दैट्स अ पॉइंट। रामानुजाचार्य अनंत शेष के अवतार है, राम अनुज लक्ष्मण के अवतार है, और भगवान विष्णु ने कहा कि कलयुग में भक्ति की स्थापना के लिए
आप पृथ्वी पर अवतार लो। आज से 1000 वर्ष पहले, ये 10वीं सदी की भारत की बात है, द्रविड़ देश में 10वीं सदी, दक्षिण भारत, महाभूतपुरी जो गांव है, रामानुजाचार्य का प्राकट्य हुआ था। तो 1000 वर्ष पहले की बात हम कह रहे हैं, मतलब रामानुजाचार्य 1000 वर्ष पहले हुए। और एक बार भक्ति विनोद ठाकुर को प्रश्न पूछा गया कि हम गौड़ीय मत्व संप्रदाय वालों का श्री संप्रदाय वालों से क्या रिश्ता है। देखो ये बहुत सब सुनने लायक है, लेकिन हम लोग इतना वैष्णव अपराध करते हैं ना आचार्यों के प्रति, कभी कभी संकीर्ण बुद्धि में अपनी महानता महानता बोलते बोलते हम दूसरे वैष्णव संप्रदाय आचार्यों का अपराध कर देते। इसलिए सुनिए, ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है, सही सोर्स से, आचार्यों से। भक्ति विनोद महाराज ने कहा कि रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय जो है उसके हम सदा ऋणी रहेंगे। क्यों? गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, क्योंकि जमीन तो उसने लिया है, महाप्रभु ने बिल्डिंग बनाया रस का, लेकिन लैंड पूरे भारत में बौद्धिज्म और शंकरिज्म, शंकर मायावाद फैला हुआ था। 2000 वर्ष पहले शंकराचार्य का जन्म हुआ और बौद्धवाद को, शून्यवाद को खंडन करने के लिए उन्होंने अद्वैतवाद फैलाया। अब ये सब सिद्धांत के नाम है, लेकिन रामानुजाचार्य ने शुद्ध अद्वैत सिखाया, मध्वाचार्य का शुद्ध अद्वैत और रामानुजा का द्वैत अद्वैत, और महाप्रभु ने तो सब मिक्स किया, चिंत्य भेदा भेद द्वैत अद्वैत को। ये सब सिद्धांतिक बात है, मैं उसको मैं आप लोगों का ज्यादा सर नहीं खाना चाहता, लेकिन बेसिक बातें पता होनी चाहिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने क्या कहा कि श्री संप्रदाय, क्योंकि आपको कोई भी बिल्डिंग बनाना पहले लैंड लेना पड़ेगा ना, जमीन होगा तभी तो, बेसमेंट भी कैसे बनेगा, हवा में थोड़ी बनेगा। तो चारों ओर बौद्धिज्म और शंकर शंकरावाद चला रहा था, अद्वैतवाद, लेकिन रामानुजाचार्य अनंत शेष के अवतार है, शक्ति प्राप्त है, बलराम है, और इसीलिए भगवान की आज्ञा से आए थे। और जहां भी गए भारतवर्ष में, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, बद्री का आश्रम तक यात्रा की है हमारे रामानुजाचार्य ने, और जहां जहां गए वहां विष्णु के मंदिर बनाए, सेवा उपासना चलाई, षोडश उपचार से, पंचरात्र विधि से, हरि नाम, ओम नमो नारायण मंत्र दिया, और विशेषकर गीता की भाष्य लिखा वैष्णव फिलोसॉफी में, और भक्ति ग्रंथों का उन्होंने बहुत सारा विस्तार किया उनके शिष्य प्रशिष्य। आज भी देखो साउथ इंडिया पूरा रामानुजन, और वहां इतने बड़े बड़े विद्वान है और एक से एक वीर राजा हुए थे। इवन ये अंग्रेज और इसके पहले मुगल, जो ये मुसलमान लोग भारत में आए, मंदिर तोड़ दिए, राजाओं को लड़ाया, घुसणखोरी कुछ भी किया, लेकिन साउथ इंडिया के राजा को नहीं हरा और वहां के मंदिर नहीं तोड़ पाए, हमारे राजस्थान तक तोड़ दिए, राइट, आपने सुना होगा। इवन हमारे गुजरात में सोमनाथ द्वारिका में भी मम्मद आ गया था, घोड़ी तोड़ दिया। लेकिन उधर जो साउथ इंडिया के बड़े बड़े सुवर्ण भरे हुए मंदिर, आज भी इतनी संपत्ति है वहां पे, सोना निकलता है, आप सब सुने होंगे विष्णु भारत के इतिहास में कितना सोना आज पड़ा है, सरकार सब चल रही है बात तो इतना, लेकिन एक भी मुसलमान राजा वहां जा नहीं पाया, ना हरा पाया। अंग्रेजों का भी शासन चला कलकत्ता दिल्ली इस तरह, वहां पर उनका कोई ना प्रभाव नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये सब आचार्य वहां प्रकट हुए, एनर्जी वो भूमि में बड़ी श्रद्धा, इसलिए ब्रिलियंट बुद्धि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इवन हमारे यहाँ कस्टम विभाग में और उसमें भी सब आंतरिक ऑफिसर होते हैं, एक नेचुरल है। और ये भागवत में भी लिखा है, जो ताम्रपर्णी कावेरी नदी के तट पर जन्म लेने वाले लोग सुमेधा बहुत ब्रिलियंट बुद्धिमान होंगे, ऐसा शास्त्रों में भी वर्णन मिलता है, हम लोग पढ़ते हैं। एनीवे हम क्या बता रहे हैं भक्तों कि एक बार क्या हुआ, रामानुजाचार्य, मतलब हमें अन्य संप्रदाय के आचार्यों के प्रति रिस्पेक्ट रखना चाहिए, और उन्होंने अपना काम किया। हम आजकल के आए हुए किसी आचार्यों पर टीका टिप्पणी करते से पहले 1000 बार सोचना चाहिए, और वैष्णव अपराध से बचना चाहिए, दास का इतना ही निवेदन था। और आचार्यों को जितना सौंपा गया उतना उसने किया। चैतन्य महाप्रभु से जिसका मिलन हुआ है, रामानुजाचार्य का, मध्वा का, चारों का, पहले अप्रकट होने से प्रकट, चैतन्य महाप्रभु प्रकट उसके पहले इन लोगों को मिल लिए। आप नवदीप महात्म्य पढ़िए भक्ति विनोद ठाकुर का, तो आप समझेंगे इन सारी बातों को। ओके, लेकिन समय तो बहुत है पढ़ने के लिए, लेकिन मेरा तो इतना ही निवेदन है कि केयरफुल,
तभी भी किसी वैष्णव आचार्य के प्रति या अन्य संप्रदाय के वैष्णव के प्रति टीका टिप्पणी अपराध करने से पहले सोचिए। हमें बहुत बेस्ट मिला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब बुरे हैं या सब अधूरे हैं। अपने अपने स्थान पे अपना अपना कार्य जो सौंपा गया है उन लोगों ने किया है, हमें रिस्पेक्ट होना चाहिए, इट्स अ पॉइंट। और दूसरी बात क्या थी कि कुछ लोगों ने विरोध किया रामानुजाचार्य, उनके शिष्यों ने कहा कि इतने ब्रिलियंट, इतने शास्त्र में एक्सपर्ट थे रामानुजाचार्य, एक बार सभा में विरोध हो गया। हजारों पंडितों ने कहा कि रामानुज को हम बुद्धिमान मानते हैं लेकिन अनंत शेष का अवतार नहीं मानते, बलराम का अंश तो है ही नहीं, कहां लिखा, कौन बोला, और प्रूफ, लिखा पढ़ा जो भी हो लेकिन अभी तो प्रकट है ना, तो प्रूफ दे। तो शिष्यों ने कहा रामानुजाचार्य कांचीपुरम में, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं उनको प्रूफ दूंगा, जरूरत नहीं है, लेकिन आप भक्तों का झगड़ा खत्म हो, पंडितों का, ब्राह्मणों का, इसीलिए। और उन्होंने कहा कि क्या उत्तर, बोले अनंत शेष को हजार मुख है, और प्रमाण देना, बोले आप हजार प्रश्न, हजार लोग, थाउजेंड पर्सन, थाउजेंड पीपल, थाउजेंड प्रश्न एक साथ पूछेंगे, और मैं सबको, हजार मुख है मेरे इसलिए मैं सबको एक साथ में उत्तर दूंगा, इम्पॉसिबल, ये हो नहीं सकता था। लेकिन रामानुजा कह रहे के लिए कोई कठिन, उन्होंने तर्क दिया कि आप सहस्त्र मुख वाले अनंत शेष के अवतार हो तो उसको हजार मुख है, और हजार मुख से वो कृष्ण गुणगान गाते, आप भी गाओ। उसने कहा ओके, लेकिन आप देख पाओगे, आपकी धोती के कलर पीले हो जाएंगे जब मैं मेरा रूप देखोगे, तब एक काम करो, एक पर्दा लगा दो, और पर्दे के पीछे रहकर आप लोग एक हजार प्रश्न एक साथ पूछना। अब देखो तीन व्यक्ति एक साथ बोलते हैं ना बाजू बाजू में तो भी गड़बड़ हो जाता है, कौन क्या बोला सब मिक्स हो जाएगा, हजार माइक एक साथ आवाज निकाले तो कौन समझ पाएगा सामने कौन क्या बोला। लेकिन रामानुजा ने वो परीक्षा तैयार, ओके नो प्रॉब्लम बोलो। और भक्तों इतिहास गवाह है कि 1000 पंडितों ने एक साथ 1000 प्रश्न पूछे और रामानुजाचार्य ने उसी समय ऑन द स्पॉट उसके हजार प्रश्नों के हजार उत्तर एक साथ दिए, सबको अपने अपने प्रश्न के उत्तर मिल गए और सब रोने लगे, दंडवत प्रणाम लगे, और कुछ जो चालबाज थे उनका बुद्धिमान वो पर्दा हटा के बोले देखते हैं, लेकिन जैसे पर्दा हटाया तो इतने दिव्य तेज कि वही मूर्छित होकर गिर गए। और फिर जगने के बाद सबने कहा श्रीपाद रामानुजाचार्य की जय, श्रीपाद मान गए आपको। तो आज हम नित्यानंद प्रभु की चर्चा कर रहने जा रहे हैं और आज शुभ दिन है दशमी, रामानुजाचार्य का तिरोभाव, तो हम आपको याद करा रहे कि वो नित्यानंद चर्चा की इंक्लूडिंग अंदर ही है, क्योंकि वही नित्यानंद के बलराम जो मूल, उसके अंश कारणोदक शेष आदि, अनंत शेष आदि, उन्हीं के अंश है श्री रामानुजाचार्य, श्री संप्रदाय के आचार्य। ओके, या भक्तों मतलब और क्या हुआ, बहुत सुंदर बात है, लेकिन आज उसका तिरोभाव है, तो ये भी भीष्म का सुनाया तिरोभाव, कथा चालू होते ही मैंने माध्वाचार्य का तिरोभाव लीला सुनाया, आज रामानुजाचार्य का तिरोभाव कैसे हुआ, अमेजिंग, ऐसा कभी न कहीं सुना नहीं भक्तों, भारत देश और ये आचार्यों का बात देखो कितना दिव्य है। रामानुजाचार्य अपने गुरु यामुनाचार्य को बहुत मानते, ये जो है ना यस्य देवे परा भक्ति तथा देवे तथा गुरु, उपनिषद का श्लोक उसके जीवन में आ गया था कि मेरे गुरु यस्य साक्षात, वो है ना हम लोग गुरु, अब गुरु मंगला आरती में बोलते हो ना यस्य प्रसा, इसके पहले वाला साक्षात हरित्वे न समस्त शास्त्रे उक्तस्त तथा एवं सद भी, सारे संत और शास्त्र कहते कि साक्षात हरि है, भले वो नहीं मानते, वो तो मानते किंतु प्रभु, ये गुरु मानता है कि मैं भगवान का दास, लेकिन शिष्य मानता है साक्षात हरि है, दोनों सही है, किंतु प्रभु ये मैं तो उनका दास, यद्यपि अमार गुरु चैतन्य दास तथापि जानी आमी ताहर प्रकाश, चैतन्य चरितामृत कविराज जी ने लिखा, मेरे गुरु अपने को चैतन्य का दास कहते लेकिन मैं जानता हूं कि गुरु शक्ति भक्ता ईश अवतार कानम, ये पंच तत्व का वर्णन पहले हुआ है ना, तो उनके प्रकाश है मेरे लिए, तो चैतन्य का, वो भले अपने को उसका दास कहे लेकिन मेरे लिए तो उन्हीं का विलास स्वरूप है, ये भाव हमारे तत्व सिद्धांतों में आया है। ओके, तो क्या हुआ, उसने कहा मेरे यामुनाचार्य के दोनों चरण पगला के ना अपने चरण के पांव के निशान वो पेंट किए गए थे चित्र में,
और उसको सामने रखा उसने, बोले मैं इस पृथ्वी से शरीर छोड़ रहा हूं तो मैं कुछ नहीं चाहता, मैं मेरे गुरु जी के चरण कमल को ही देखना चाहता हूँ। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म वंदो मुई सावधान मते। कभी श्लोक बोलो ना ये गुरु वंदना, सीधा ये याद आना चाहिए कि जीवन में गुरु चरण पद्म इन्हीं से मुझे भक्ति मिला है। और ये भक्ति सद्म, आप जानते हो सद्म मतलब क्या? रोज बोलते हो श्री गुरु चरण पद्म, पद्म मतलब कमल, केवल भक्ति सद्म, सद्म मतलब सदमा लग जाएगा, सद्म मतलब होम टाउन, भक्ति का जो घर है निकेतन, जो भक्ति का हाउस, सद्म मतलब घर होता है, और उसकी मैं सावधानी से पूजा करता हूं। अब क्या पूजा है देखो, बोले उसको देखना, और वो पद्मासन लगा के बैठ गए रामानुजाचार्य, और अपने गुरु यमुनाचार्य के चरण कमल को देखते 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 रहे बस, और उसी समय अंतर्ज्ञान, गुरु चरण कमल देखते हुए। और जैसे पद्मासन में बैठे थे, अब सुनिए मेन बात, आज तिरुभाव है रामानुजाचार्य का, उनकी बहुत लीलाएं हमें स्मरण आ रही है लेकिन आज समय नहीं बताने का, लेकिन लास्ट एक लीला एक बताइए अनंत शेष वाला जो चमत्कार किया, और ये दूसरा तिरुभाव कैसे किया। पद्मासन लगा के गुरु के चरणों को देखते देखते नित्य लीला, अपने स्वरूप में चले गए अनंत शेष रामानुजाचार्य। लेकिन जो रामानुजाचार्य का 1000 वर्ष पहले की बात है, आज भी श्रीरंगम में, श्रीरंगम यात्रा हम लोग निकालते हैं कभी कभी स्कंद के बाद दक्षिण भारत श्रीरंगम, उस मंदिर में आज भी उसका 1000 वर्ष पहले का वही शरीर एज इट इज है। उसकी समाधि नहीं दी गई, वो शरीर ऐसे ही, लेकिन उसको चंदन का लेप उनके शिष्यों ने लगा दिया, और रोज चंदन का लेप लगाते 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 वो स्थिर हो गए। वही बॉडी, वही शरीर एज इट इज 1000 वर्ष पहले का, अपने गुरु का, आंखें खुली हुई, सेम। अद्भुत है भारत में, कभी आओ तो जाओ श्रीरंगम, देखो इन आचार्यों को। रामानुजाचार्य 1000 वर्ष पहले जैसे बैठे थे ऐसे ही, लेकिन आज वो स्थिर, बाहर से स्टेचू दिखेगा, मूर्ति दिखेगा आपको, क्योंकि चंदन लेप से उसी समय स्थिर हो गए, लेकिन उसको न समाधि दी गई न जलाया गया, एज इट इज वही दर्शन है। और हम सबको क्या क्या सिखा के गए, क्या क्या दे के गए, श्रीपाद रामानुजाचार्य की जय। भक्तो आज आपको नित्यानंद लीला थोड़ी कम सुनने मिली, हम तो प्रवेश करने, लेकिन आज हमको जरूरी लगा कि जिस आचार्य का तिरुभाव है आपके वैष्णव कैलेंडर में भी है, तो मैं थोड़ा, और वो नित्यानंद प्रभु की ही शक्ति है जो भक्ति का प्रचार करने आए थे, और आज पूरे भारत में जो वैष्णविज्म, ये वैष्णविज्म के एस्टेब्लिश आचार्य श्री रामानुजाचार्य, उसके बाद हम सब बहुत सारे संप्रदाय आए, बहुत सारे आचार्य आए, लेकिन जमीन तो इसने ली। अब जो अपना अपना रस तत्व वाला बिल्डिंग बनाए अपना अपना, लेकिन लैंड इसका लिया हुआ है श्री संप्रदाय वालों का, इसलिए हमें उनके प्रति रिस्पेक्टेबल होना चाहिए, ये हमारा मैसेज है। हरे कृष्णा, थैंक यू, श्रील प्रभुपाद की जय। तो नित्यानंद लीला को कल से सुनेंगे, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, वेरी नाइस, आपने बहुत नित्यानंद प्रभु का जो इंट्रोडक्शन दिया वो बहुत लाभदायी है, अभी अभी पास टाइम समझने में गलती नहीं करेंगे। अवधूत समझ लेंगे तो चिंता नहीं। प्रभु जी वो श्लोक हमें भेज देना। यस, और ये जो मैंने अवधूत वाला और अम ये जो भी एक एक शब्द का बताया, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, फिर आप भक्तों को दे सकते हैं। ठीक है प्रभु, तो थैंक यू। तो मुझे आज अभी 8:30 को एक दूसरा क्लास देने जाना है, तो आज क्वेश्चन आंसर नहीं होगा, लेकिन मैंने आज नित्यानंद प्रभु का कम बताया, लेकिन माध्वाचार्य तिरुभाव और रामानुजे तिरुभाव, तो इसका मैंने थोड़ा स्मरण किया। हम इन आचार्यों को प्रार्थना करते हैं कि हमें शक्ति दे, ताकि हम भी हमारी परंपरा के आचार्यों की खूब भक्ति से सेवा कर सके। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच, अभिनंदन के साथ हमारा हार्दिक प्रणाम है आपको कि इतनी अच्छी कथा सुनने के लिए मिल गई। तो ठीक है प्रभु जी, कल मिलते हैं आपको फिर से। yes, कल नित्यानंद लीला में कल से चैतन्य भागवत से बंगाली प्यार गाते गाते नित्यानंद प्रभु की लीला का आस्वादन करेंगे। बंगाली आवाज सुनना चाहते हैं हम सब लोग। हाँ जरूर, कल से कराएंगे गाएंगे। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। कल एकादशी भी है हमारे यहाँ। ओके, तो कोई बात नहीं, हमारी भी एकादशी है कल। आप लोग के भी हमारी एकादशी और
द्वादशी साथ में एक ही दिन है। हाँ सेम हमारे ऐसे दोपहर तक बोले निर्जला करो तो द्वारा हमारा इसी में प्रसन्न हो जाएंगे बराते। निर्जला करना पड़ेगा। यस 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 या ओके प्रभु हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे